A very warm welcome to you all in my YouTube channel, DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास टेंथ में हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. लास्ट की क्लासेस में हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया था और आज की क्लास में हम साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी करेंगे. जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है उसको डिराइव करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मिरर फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन स्टडी करने से पहले मैं आपको मैथ्स में जो हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते हैं उसके बारे में एक बार रिकॉल करा देना चाहते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है. एक्स एक्सिस के जो हमारा राइट साइड में और जो अपर डायरेक्शन में होता है उसे हम पॉजिटिव साइन से कंसिडर करते हैं, और जो हमारा डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड में होता है उसे हम नेगेटिव में कंसिडर करते हैं. ये एज इट इज हमारा सेम रोल प्ले करता है जब हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी करते हैं. और जिस तरीके से हमारा ये मैथ्स में क्वाड्रेंट की तरह जिस तरीके से हमारा इसमें साइन होता है, बिल्कुल एज इट इज हमारा मिरर में भी होता है. तो इसलिए मिरर में जानने के लिए हमें ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी होता है. तो हम लोग साइन कन्वेंशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है जो एक तरह से हम हमेशा फॉलो करते हैं, वो ये है कि जो हमारी लाइट रेज होती हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड से अलाउ की जाती हैं मिरर पे फॉल करने के लिए. मतलब जो मिरर पे फॉल होती हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही फॉल होती हैं. ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सेस. ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सेस होती है और जो हमारा पोल पॉइंट होता है, सारे जो डिस्टेंस होते हैं वो इसी पॉइंट को एज अ मेन सपोज करके यहीं से सारे डिस्टेंस जो होते हैं मेजर करते हैं. द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज विद अ पॉजिटिव साइन. जो डायरेक्शन मतलब जो हमारा इंसिडेंट रे होता है वो हमेशा हमारा लेफ्ट साइड से फॉल करता है मिरर पे, और इसी के अलोंग जितने भी हमारे डायरेक्शंस होते हैं वो सब पॉजिटिव साइन के साथ कंसिडर किए जाते हैं, और जो अपोजिट होते हैं इसके उन्हें हम निगेटिव साइन से कंसिडर करते हैं. वही चीज इसमें दिया हुआ है कि द डायरेक्शन मेजर्ड इन द डायरेक्शन सॉरी द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन विद द नेगेटिव साइन. इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट साइन में हमें कोई डिस्टेंस जैसे मेजर करते हैं तो वो हमारा हमारा नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट आता है जो प्रिंसिपल एक्सिस से हमारे अबव मेजर किए जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, वो हमेशा हमारा पॉजिटिव साइन के साथ रहता है. और जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में हाइट होती है वो हमेशा हमारी नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर की जाती है. ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा अबव में होता है, इसलिए वो हमेशा एज अ पॉजिटिव साइन होता है. और जो इमेज होता है वो अबव भी फॉर्म होती है और नीचे भी फॉर्म होती है. जो अबव फॉर्म होती है वो हमारी इरेक्ट इमेज होती है, वो हमेशा हमारी पॉजिटिव होगी क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से अबव होती है. और जो हमारी इन्वर्टेड इमेज होती है वो हमेशा हमारी नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर की जाती है क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो फॉर्म होती है. नेक्स्ट आता है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, ये हमारे कॉनकेव मिरर के टोटल 6 केसेस होते हैं. इसमें जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो हमेशा हमारी नेगेटिव होती है. तो पोल से हम नेगेटिव इसको मेजर करते हैं तो हमारा ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड के जितने भी हमारे डायमेंशंस होते हैं वो सब एज ए नेगेटिव साइन के साथ होते हैं, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा हमारी नेगेटिव होती है. और जो हमारी कॉन्वेक्स मिरर होती है वो इसका फोकस हम यहाँ कंसिडर करते हैं, और इसका जो हमारा डायरेक्शन होता है वो राइट साइड होता है, इसलिए इसकी जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो हमारी एज अ पॉजिटिव होती है. जो हमारी इरेक्ट इमेज होती है मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो हमेशा हमारी पॉजिटिवली जाती है, और जो हमारी इन्वर्टेड होती है वो हमेशा हमारी निगेटिवली जाती है क्योंकि वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होती है. नेक्स्ट हमारा अब इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं रूल्स के लिए कि जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा हमारे पोल से कंसिडर किए जाते हैं. और डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जो दूरी और जो हमारा इमेज है वहाँ से मिरर तक का दूरी का हमारा क्या साइन होता है. यू जो हमारा होता है वो हमारा होता है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट की मिरर से कितनी दूरी है ये हमारा
यू से कंसिडर किया जाता है, और जो हमारा वी होता है वो हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज की जो हमारी डिस्टेंस होती है इसे हम वी से कंसिडर करते हैं। अब हम इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जितने भी हमारे डायमेंशन है, यू है, वी है, इमेज का डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, दोनों ही हमारे ये लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों कैसे ही होंगे हमारे, निगेटिव होंगे। नेक्स्ट आता है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसमें बेसिकली तो हमारे 6 केसेस होते हैं, जिसमें हमारे 5 केसेस जो होते हैं उसमें जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो मिरर के सामने होती है, और एक केस होता है जिसमें मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होती है। तो इस वाले केस में हमारा ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस जो मिरर से जो हमने यू कंसिडर किया है ये हमारा लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, इसलिए हमारा ये नेगेटिव होगा, और जो पोल से हमारी इमेज की दूरी है वो हमारी राइट साइड में लाई कर रही है, इसलिए इसका जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपको बताया ही गया है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव होगा वो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो बिलो होगा वो निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा अबव होता है इसलिए हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो इमेज होता है वो जिस केस में इमेज हमारी ऊपर फॉर्म होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, और जिस केस में इमेज हमारी डाउनवर्ड फॉर्म होती है, डाउनवर्ड्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, उस केस में हमारी ये निगेटिव होती है। तो एक बार एक तरह से ये समरी हमारी हो गई कि हमें बेसिकली 3 मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, और जो तीसरी चीज हमारी है वो हमारी है फोकल लेंथ। तो हमारा जो हाइट होगा अगर अबव है, ये हम पहले एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, अगर हमारा हाइट है वो हमारा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो नेगेटिव होगा, और अगर जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी तो जैसा हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा वैसी हमारी इमेज फॉर्म होगी, तो उस केस में जो हमारा हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा हो गया हाइट के बारे में। अब हम जानेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का जो डिस्टेंस होता है, तो हम मैंने आपको बताया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में ही रखा होता है, तो जो लेफ्ट साइड में रखा होगा तो ऑब्वियसली बात है पोल से उसकी जो दूरी होगी वो हमारी कैसी होगी, निगेटिव होगी, और जो हमारी केस में रियल इमेज बनती है तो रियल इमेज हमेशा इधर लेफ्ट साइड ही बनेगी, मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगी, क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसीडर करें तो हमेशा मिरर के इस साइड लेफ्ट साइड बनेगी, तो रियल इमेज हमारी कैसी होगी, उसका जो डिस्टेंस मिरर से होगा वो हमेशा हमारा नेगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल इमेज बन रही मतलब मिरर के पीछे बन रही है तो वो हमारा किधर की तरफ जाएगा, राइट साइड की तरफ जाएगा, तो वो हमारा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और जो हमारी तीसरी चीज आती है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ में आपको ये चीज याद रखना है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा हमारी नेगेटिव होती है, और जो कॉन्वेक्स होती है उसकी हमेशा हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस फोकस से पोल तक का हमारे मेजर किए जाते हैं कॉनकेव के केस में वो सब हमारे लेफ्ट साइड रखे होते हैं, और जो कॉन्वेक्स होता है उस केस में हमारे राइट साइड रखे होते हैं, तो जो लेफ्ट साइड होते हैं वो हमेशा हमारे नेगेटिव कंसिडर किए जाएंगे, इसलिए जो फोकल लेंथ हमारी कॉनकेव मिरर की होती है वो हमेशा हमारी नेगेटिव होती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर की होती है वो हमेशा राइट साइड लाई करती है इसलिए वो हमेशा हमारी पॉजिटिव होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशंस अबाउट द नेक्स्ट लेसंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।